किसान आंदोलन 2.0 की दहाड़ दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर से सुनाई देने लगी है। 2020 की तरह ही इस बार भी इस आंदोलन में 50 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार राकेश टिकैत कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या इसकी वजह मतभेद है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल नवंबर 2020 में तमाम किसान संगठनों के प्रतिनिधित्व के लिए संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया गया था। इस संगठन में गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जोगिंदर सिंह उग्राहन, बलवीर सिंह राजेवार, दर्शन पाल जैसे नेता शामिल थे। इसके अलावा राकेश टिकैत भी गाजीपुर बॉर्डर पर लगे मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। किसानों के इस आंदोलन की वजह से केंद्र सरकार ने अपने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव हुए तो किसानों के एक गुट ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, लेकिन एक गुट ये चाहता था कि सियासत से दूर रहा जाए। अंत में बलवीर सिंह राजेवार के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा बना और 93 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। हालांकि इस चुनाव में सभी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। फिर पिछले महीने ही बलवीर सिंह राजेवार के नेतृत्व में उन 5 संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा में वापसी कर ली जिन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन अभी भी मतभेद खत्म नहीं हुआ। इस बार के आंदोलन का नेतृत्व जगजीत सिंह डल्लेवाल कर रहे हैं और उन्होंने एक तरफा ही दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा नए संगठन किसान मजदूर संघर्ष समिति के मुखिया सरवन सिंह पंढेर भी आंदोलन का चेहरा बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि पुराने नेताओं को भरोसे में लिए बिना ही ये सब हो रहा है। खबर है कि किसान नेताओं के बीच फंड की हेराफेरी, विदेशी फंडिंग जैसे कई मसलों पर मतभेद है। पुराने नेताओं में से कई लोगों का कहना है कि वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, वहीं कुछ ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रखी है। इस बारे में पूछे जाने पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि मुझे कोई न्योता नहीं मिला है, इस आंदोलन के बारे में मेरे कोई सुझाव भी नहीं लिए गए, संगठनों ने अपने स्तर पर यह फैसला लिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा है कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। जिन संगठनों ने इस आंदोलन से दूरी बनाई है उसमें भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहन शामिल है। एकता उग्राहन गुट का तो ये तक कहना है कि वो पंजाब सरकार के खिलाफ 24 फरवरी से चंडीगढ़ में आंदोलन करेंगे। इसके अलावा हरियाणा और यूपी के तमाम किसान आंदोलन से दूर हैं। इसी वजह से अभी यूपी और हरियाणा में लगे दिल्ली के बॉर्डरों पर फिलहाल कोई ज्यादा तनाव नहीं देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।